हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बारे में हम लोग को जाननी है, तो चलिए पेन और नोट्स जो है आप अपने निकाल लीजिए जहां पे आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। और यहां पे है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक चार्ज है ना, तो यहां पे लिख देता हूं कि चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो। तो हम लोग इसमें डिफाइन कैसे करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, कि देखो हम लोग इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट लिख देता हूं। बोलो आता है समझ में ये चीज? अच्छा, बड़ा सिंपल सा चीज बताया, बिल्कुल समझ में आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इतनी तो बात समझ में आती है। लेकिन हम लोग एक बार और एक चीज देखना चाहते हैं कि भाई ये चार्ज क्या होता है। तो हमने यहां पे लिखा है कि देखो चार्ज क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास क्या है, बेसिक यूनिट है एक मैटर का, वैसे ही चार्ज भी क्या है, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है किसका? मैटर का। ठीक है, तो अगर आपको एक न्यूट्रल दिखता है, एक बॉडी न्यूट्रल अगर बॉडी आपको दिखती है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कुछ इस तरीके से है कि इनका नंबर क्या है, सेम है। जैसे मैं बोलूंगी यहां पे प्लस थ्री है, यहां पे माइनस थ्री है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया आपका जीरो। तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। लेकिन किसका है ये नेट चार्ज? न्यूट्रल बॉडी का। तो कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, तो कोई बॉडी उसमें क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। अरे इसको समझते हैं ना कैसे होता है। हमने बोला कि देखो हर चीज, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि हर चीज किससे बना होता है, नाइन्थ में पढ़ा है, देखो एटम से बना होता है। और एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठे हैं और नेगेटिव वाले चार्ज जो है ये बाहर में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये एटम है, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने अगर बोला कि बॉडी के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। कहां से आए ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? एटम से आए हैं। ओके, हम इस बार एटम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आती है कि चार्ज कहां से आया है? चार्ज यहां से आया है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो इतना लिख लिए, अपने अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, नोट्स आपके रेडी होते रहेंगे ताकि आपका रिविजन जो है बहुत अच्छा होता है। कर लिया, मिटा दूं, 1 2 3 4। अब अपने को किसकी बात करनी है? अपने को बात करनी है चार्ज की। यहां पे लिख देता हूं चार्ज, दिख रहा है फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया? नहीं। तो चार्ज क्या होते हैं? तो हमने बोला कि द इसकी प्रॉपर्टीज अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो चार्ज कैसे होते हैं? ये होते हैं एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि देखो अगर मैंने बोला है कि प्लस टू चार्ज यहां रखा हुआ है, प्लस टू चार्ज यहां रखा हुआ है, दोनों नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जवाब है नेट चार्ज सिंपली एड होगा, कितना हो जाएगा? 2 और 2 + 4 चार्ज। इसको हम लोग कूलम से बोलते हैं, ठीक है, सी लिख देता हूं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैंने बोला +2 - 3 क्या बोल लीजिएगा? कि यहां पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज है हमारे पास -1। ओके, तो ये हम लोग की चार्ज वाली बात होगी जो एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर बोलने का मतलब है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आपको पता है ना क्या होता है? कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि चार्ज का डायरेक्शन किधर है, कहीं भी नहीं। चार्ज तो अपने में क्या है? बिना डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इनका एडिशन भी जो है बड़ा आसान तरीके से होता है, एडिशन स्केलर वाली होती है। अपर क्लासेज में ना एक वेक्टर भी होता है, वेक्टर एडिशन अलग होता है, वो हम लोग यहां पे बात नहीं कर रहे, फिलहाल तो हम स्केलर की बात कर रहे हैं। पहली बात समझ में आ गई। सेकेंड होता है नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। नेट चार्ज जो है वो यूनिवर्स का क्या है? कॉन्स्टेंट है, दैट इज जीरो। नेट चार्ज कितना होता है पूरे यूनिवर्स का? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कैन
नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोलो ये बात सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? चार्ज क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज होता है, लेकिन वो भी किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात गलत है। हम यहां लिख देते हैं कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर। पेयर में चार्ज बनते भी हैं और क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय भी होते हैं। जैसे अगर मान लो प्लस फाइव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो पक्का है कि माइनस फाइव कूलम चार्ज भी क्या हुआ होगा? क्रिएट हुआ होगा। ये पेयर में ही होते हैं, ताकि नेट चार्ज कितना आ जाए? फिर से जीरो। ओके, ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट बात है। कहां पे होता है ये चीज? ये चीज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रिएट होते हैं, लेकिन पेयर में होते हैं। ठीक है, दो बातें आपने समझ लिया, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर आपको बताता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। चलो हो गया कॉपी। ओके, दो चीज समझ में आ गई। अब देखो तीसरी जो बात है ना, कि आप जानते हो ये सब बातें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, लिखते हुए चलते हैं, मान लो कभी पूछ लिया गया तो आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे हुआ ये चीज देखो, जैसे मैं बोलूं कि प्लस फाइव कूलम और प्लस फोर कूलम दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो हम इसको बोलेंगे दे आर लाइक चार्जेस। अगर ये लाइट चार्जेस है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये इसको उधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। और ये जो धक्का देने वाला जो फोर्स है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आपको पता है ना कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो ये चीज याद है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं यहां पे ये। खैर ये वाला चीज अपने को याद नहीं रखनी है, बस बता दिया कि फोर्स अगर लगता है तो कितना फोर्स लगता है, तो है एक कांस्टेंट। और यहां पे क्या होता है? q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये q1 ये q2, नीचे आप डिस्टेंस ले लेना, वहां से आपको फोर्स मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर बताता हूं आपको नेक्स्ट। कर लिया कॉपी? जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, मैं तो 2K में देखता हूं। चल ठीक है, देखो 2K में। अब नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन है हमारे पास कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर और एक क्या होता है? एक सेमी कंडक्टर भी होता है, ये भी अपन देख लेंगे यहां पे। सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या चीज है? तो बोलेंगे कि ऐसा मटेरियल जो क्या करता है? अलाउ करता है करंट को। कहां से क्या अलाउ करता है करंट को? खुद से पास होने के लिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि द मटेरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। खुद की बॉडी से क्या करता है? अलाउ करता है कि भाई करंट जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर क्या होता है? तो यहां पे लिख देता हूं कि द मटेरियल, वही इसका उल्टा लिख देंगे, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो यहां पे क्या लिखवाया है मैंने आपको कि नॉर्मल कंडीशन में ये अलाउ नहीं करता है। अब ये नॉर्मल कंडीशन वाली बात क्या है? यहां पे भी आप लिख देना थ्रू इटसेल्फ इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है,
देखो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स अलाउ करते हैं, जैसे जैसे हमने ले लिया मेटल्स, ठीक है, मेटल्स भी होता है, सारे मेटल्स होते हैं, और एक नॉन मेटल भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी होता है, बहुत सारे अलॉयज भी होते हैं। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं कि ये क्या है, जैसे हमने बोल दिया एयर, जैसे हमने बोल दिया वुड, जैसे हमने बोल दिया प्लास्टिक्स, जैसे हमने बोल दिया ग्लास एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, ये क्या करते हैं, ये भी एक एक सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ये करंट अलाउ कर सकते हैं खुद से जाना, मतलब ये कंडक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में खूब ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, आपको आपको उसके फेवरेबल सिचुएशन देने होंगे, जैसे हाई प्रेशर गैस से भी पास हो सकता है, गैस से भी एयर से भी करंट पास हो सकता है, कैसे भाई, यहां से अगर मैं प्लग से क्या हमारे पास आ रहा है, बिना एयर के माध्यम से हमारे पास करंट आ रहा है, जवाब है नहीं, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इतना वोल्टेज नहीं है, तो क्या कभी भी आता है, जवाब है हाँ आता है, बिजली गिरती है कि नहीं जमीन पे, गिरती है ना, तो क्या एयर अच्छा कंडक्टर है, जो वहां से जो करंट जो है वो कैसे जमीन पे आ गया, बताओ, एयर तो बैड कंडक्टर है, आया क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल ऊपर में क्रिएट हुआ था, हाई पोटेंशियल के कारण क्या हुआ कि जमीन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, कैसे भाया, एयर, ओके, तो इसी तरीके से वुड से भी जा सकता है, प्लास्टिक से भी जा सकता है, ग्लास से भी जा सकता है, खैर अपने को ये एक्सट्रीम कंडीशन वाली स्टडी नहीं करनी, अपने को तो नॉर्मल कंडीशन वाली बात करनी। अब आता है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, देखो सेमी कंडक्टर क्या करते हैं ना, जैसा कि नाम है इसका कि कंडक्ट करते हैं, लेकिन कंडीशनल है, कैसे कंडीशनल है, तो बोलता है एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव्स लाइक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर होते हैं, और ये क्या करते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन तो नहीं बोलेंगे इस बार हाई टेम्परेचर चाहिए, बस टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करेगा, ये बिहेव करेगा इंसुलेटर जैसा, ओके, तो ये हमने यहां पे देख लिया कंडक्टर इंसुलेटर है सेमी कंडक्टर, ओके, यहां तक आपने कर लिया कॉपी, बड़े छोटे छोटे टर्म्स है, याद भी हो गया होगा आपको, चलो मुझे तो समय लगता है सर याद करने, करो जल्दी कॉपी करो, हट जाता हूं। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं चार्ज, तो हमने पढ़ा है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, देखो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से ही मिलते हैं, अब सोचो यहां पे कैसे हुआ, एक बॉडी हमारे पास ये, ठीक है, और हमने यहां पे एक बॉल है, बॉल पे हमने इसको रब किया, यहां पे मान लो थे +10 कूलम चार्ज और -10 कूलम चार्ज, न्यूट्रल था, यहां पे भी मान लो कुछ 20 और कूलम और +20 कूलम चार्ज, जब हमने इस पे रब किया इसको तो क्या हो गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मान लो जंप होके यहां आ गए, कितने आ गए, तो मान लो जैसे आ गया +5 -5 लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन अपना जगह बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहां से उठ के इधर आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना लिख के अगर मैं लिखूं कि 5 कूलम आया है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अब इधर आ गया तो नेट चार्ज इधर कितना हो गया, देखो तो नेट चार्ज यहां से आ गया कि पहले कितना था, 0 था, कैसे 0 था, लिख के बताता हूं, +10 -10 और क्या आ गया -5, सो आंसर आ गया आपके पास -5 कूलम, और यहां पे क्या हो गया, यहां से तो -5 चला गया है, तो -15 +20 जवाब है 5 कूलम, देख रहे हो नेट चार्ज अभी भी कौन क्या है, कंजर्व है पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम मतलब ये और ये बॉडी, कितना आ गया यहां पे -5 यहां पे +5, इस तरीके से चार्जेस क्या होते हैं डेवलप होते हैं, कैसे, तो फ्रिक्शन से हमने डेवलप कर दिया, और भी तरीके हैं हम लोग को फ्रिक्शन यहां पे जानना है, हमने क्या किया एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया रब किया, तो क्या हो गया कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप होके यहां पे चले आए, बात समझ में आती है, तो यहां पे क्या हो गया चार्ज डेवलप हो गया, अच्छा, और हम समझते हैं कि देखो चार्ज टोटल चार्ज कितना होता है, जवाब है क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना आएगा है ना वो अपने साथ जो चार्ज लेके आएगा, कहने का मतलब है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आए थे तो टोटल चार्ज इधर कितना डेवलप होगा, माइनस में डेवलप होगा × 5 कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा, तो हमने यहां पे फॉर्मूला बना लिया कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई होता है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये वाला होता है 1.6 × 10⁻¹⁹
विद माइनस साइन लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। याद तक समझ में आया? टोटल चार्ज कितना होता है? एन ई। ओके, और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? जो ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। और ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चलो यहां पर कॉपी कर लो, फिर आपको समझाता हूं नेक्स्ट। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, मतलब आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल चार्ज ट्रांसफर बाय टाइम। टोटल चार्ज कहां से ट्रांसफर हो रहा है? तो मैं लिख देता हूं टोटल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई एक एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, जितने चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय जितना समय लगा है, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है कितना है? अभी अभी आपने देखा था एनई बाय क्या, टी। तो करंट का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? एनई बाय टी। बोलो ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ले लूं कि लाइक ऐसे ले लूं कि फाइंड करंट थ्रू अ कंडक्टर इफ 10⁻¹⁷ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 2 सेकेंड। कितना दिया मैंने? 2 सेकेंड। तो क्या करेंगे? I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एन ई बाई टी। एन कितना है? एन है हमारे पास 10⁻¹⁷, यहां पे 1.6 × 10⁻¹⁹, यहां पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। और यहां पे टाइम क्या है? टाइम है 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 0.8, देखो ये ऐसे 0.8, और यहां पे कितना आ गया? इंटू 10⁻¹⁰ कितना हो गया बताओ? -12 एम्पियर। बड़ा छोटा सा करंट यहां पे आया, क्योंकि आपने बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास कराए, मात्र 10⁻¹⁷, ठीक है, मात्र ही होता है ये 10⁻¹⁷ के टर्म्स में। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये छोटा ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। करंट समझ में आ गई? इस तरीके से करंट आपको फाइंड करना है। चलो जल्दी से लिख लो इसको। अब अगला सवाल हमारे पास देखो क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट 0.5 एम्पियर, मतलब करंट अपने को दी हुई है कितना? 0.5 एम्पियर। When the voltage of 200 volt, ठीक है, 200 volt अपने को सप्लाई मिला है, देखते हैं वोल्ट के बारे में क्या जानकारी है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, आपसे तो चार्ज पूछा है, इन 1 आवर। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, पता है ना ये सब बातें। सो I इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई बाई टी। एन कितना है? एन तो हमें नहीं पता, हमसे यही पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हम क्या बोलेंगे? यही तो है अपना अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू। और टाइम कितना है? 3600। और करंट कितना है? करंट है 0.5 यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो अगला बार में आप क्या बोलोगे? 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, क्यू, और यहां पे हो गया 3600। 2 से ये कितना हो गया? 1800। सो फाइनली अपने पास आ रहा है कि क्यू इज इक्वल टू 1800 कूलम, ठीक है, 1800 कूलम अपने को चार्ज वहां से ट्रांसफर हुआ है। ओके, कर लिया आपने कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक पे इससे ज्यादा वैरायटी आपके पास नहीं मिलेगा, आप चाहो तो एनसीईआरटी से अपने कुछ क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।